क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और चार जवान समेत एक अधिकारी और एक पुलिसकर्मी इसमें शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एक मेजर शहीद हुए हैं, एक सैनिक गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। अतिरिक्त बल ऑपरेशन स्थल पर भेजे गए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां डोडा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। बीती रात से ये मुठभेड़ हो रही है जिसमें सेना के एक अधिकारी और चार जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के भी एक अधिकारी शामिल हैं। कोटी वन क्षेत्र में ये मुठभेड़ हो रही है। घना इलाका है, घना जंगली इलाका है और इसी जंगल का सहारा लेकर यहां पर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश आतंकवादियों द्वारा की जा रही थी। गुप्त सूचना जिसकी मिली और उसके आधार पर यहां पर बीती रात से ही मुठभेड़ शुरू हुई है। रात को ही नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है, चेकिंग और तेज कर दी है। सुरक्षा बल, जांच एजेंसियां और चौकन्ना हो गई हैं। दोनों तरफ से हैवी शेलिंग सुनाई दे रही है। कोटी वन क्षेत्र का ये पूरा इलाका जिसे कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, जिसे घेर लिया गया है सुरक्षा बलों द्वारा और यहां पर मुठभेड़ लगातार जारी है। तो जम्मू इलाके में लगातार बढ़ती आतंकवादी गतिविधियां चिंता का विषय बनती जा रही हैं। डेढ़ महीने में ये छठा आतंकी हमला है। इससे पहले आपको बता दें, समय समय पर आतंकवादियों ने इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की। खास तौर पर पीर पंचाल का ये वो इलाका जो घनी पहाड़ियों और घने जंगलों से ढका हुआ है, अब इस रास्ते का सहारा लेकर आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। 8 जुलाई को सेना के वाहन पर हमला किया था। 11 और 12 जून को कुलगाम में दो आतंकी ढेर हुए थे, वहां पर दो दिनों तक ये एनकाउंटर चला था। 9 जून को रियासी में तीर्थ यात्रियों की गाड़ी पर हमला किया गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। 4 मई को वायुसेना की गाड़ी पर हमला किया गया था। उससे पहले बीते साल आपको याद होगा डीकेजी में इसी तरह से डेरा की गली में इसी तरीके से घात लगाकर आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया था और इसी स्ट्रैटेजी को अंजाम देने के लिए अब इन घनी पहाड़ियों का सहारा, इन घने जंगलों का सहारा आतंकवादी ले रहे हैं, घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि समय समय पर इस इन्फिल्ट्रेशन बिड को नाकाम भी किया जाता है, लेकिन एक बार फिर से डोडा के कोटी वन क्षेत्र में आतंकवादियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। इनपुट मिला था सुरक्षा बलों को उनकी घुसपैठ का, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई है। और हमारे साथ इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए और इस एनकाउंटर को, इस तरह के ऑपरेशंस को समझने के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तम सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। और रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान सर हमारे साथ जुड़े हैं। धीमान सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले धीमान सर, आपसे जानना चाहूंगी, डेढ़ महीने में ये इस तरह का छठा ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, लगातार पीर पंचाल के सदन में और वेस्टर्न तरफ ये इन्फिल्ट्रेशन की जा रही है, इसके पीछे का मुख्य कारण और इस स्ट्रैटेजी को अगर आतंकवादियों की डीकोड किया जाए तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये आतंकवाद की जो लड़ाई है, पिछले 40 साल से हम जेएनके में लड़ रहे हैं और इसका एवोल्यूशन होता जा रहा है। स्पेशल मेजर माइलस्टोन हम बोल सकते हैं जब 370 यहां से हटा। अभी आज की डेट में क्या मजबूरी है पाकिस्तान के पास कि वो आगे जम्मू क्षेत्र में, जम्मू संभाग में आतंकवाद को इतने बड़े लेवल पे फैलाए? बेसिकली एक तो दुनिया को यह बताना है कि जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं उसमें जो हैवी वोटिंग हुई है वो गलत है। नंबर दो, हमारे यहाँ असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं, प्लस चाइना के बॉर्डर के ऊपर जो यहाँ से हमने आर्मी की फॉर्मेशन निकाल के उनको गलवान पे भेजा था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वो वहां चाइना के लिए सिरदर्द बनी हुई है। वो चाहते हैं कि उनको वापस यहाँ बुलाया जाए। उसके लिए उन्होंने एक बड़ी सोची समझी साजिश, एक कॉन्स्पिरेसी, एक प्लानिंग के मुताबिक के साथ एक बड़े ही ट्रेंड आईएसआई के टेररिस्ट चुने हैं जो अफगानिस्तान में ट्रेंड हैं जंगल वॉरफेयर एज वेल एज हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर। इनको सबसे बिल्कुल आधुनिक वेपन्स M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल्स के साथ, जिनमें IR स्कैनर्स लगे हुए हैं, प्लस सबसे आधुनिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम जो इनके पास है। और उन्होंने अभी जो ये स्ट्रेटजी करी है कंजर्वेशन एंड कंसोलिडेशन की, ये ऑलरेडी पूरे जम्मू संभाग में फैल गए हैं। आपने देखा 9 जून के बाद रियासी से ये बात शुरू होती है, फिर ये जाती है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, कोटा में जाती है, राजबाग में जाती है, छत्रकला में जाती है, फिर मछेड़ी होता है, दूदू बसंतगढ़ होता है, सियोच जहाँ पे एनकाउंटर होते हैं, डोडा में TOB के ऊपर होता है, और आज ये हो रहा है नॉर्थ ऑफ डोडा देसा फॉरेस्ट के अंदर। और साइमल्टेनियसली अगर आप देखें तो रियासी डिस्ट्रिक्ट की पौनी गांव जो है
साथ में दलन टॉप है और जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अखनूर का एरिया है, कानाचक का एरिया है, थाटी का एरिया है, यहाँ भी सर्चेस चल रही है। इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा जम्मू संभाग इस वक्त टेररिज्म की गिरफ्त में है और अभी यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज भी प्रोएक्टिव हो रखी हैं। अभी कुछ सूत्रों द्वारा हमें पता चला है कि ऑलरेडी जो इंडियन आर्मी ने रेड सिस्टम बनाने का फैसला ले लिया है, 50 लोकेशंस को घेर लिया है और जैसे उन्होंने एक्साइज सर्वनाश किया था 2002 में टेररिज्म का सफाया कर दिया था, उसी तरह की स्ट्रेटजी यहाँ पे जारी है। तो मेरा मानना यह है कि अगर यहाँ पे टेररिज्म के अगेंस्ट सिक्योरिटी फोर्सेज को जम्मू कश्मीर पुलिस असिस्टेड बाय इंडियन आर्मी राष्ट्र करना है क्या हालात है वहां से इनपुट हमें दे रहे हैं राजन वैद्य जी। राजन अजी देखिए जस्मीन, दो तीन बातें हैं आप जो कि बहुत यहां पे ध्यान देना होगा कि पहले जब डेढ़ दशक पहले यहां पे आतंकवाद था तब कुछ क्या ऐसे स्टेप उठाए थे, क्या ऐसे कदम उठाए थे जिसके चलते यहाँ आतंकवाद समाप्त हुआ था, इन बातों को सोचना होगा वापस, क्योंकि आम जो लोग हैं यहाँ पे उनका कहना है कि जब आतंकवाद समाप्त हो गया तो कई अपर रीचेस में पहाड़ों पे जो चोटियों पे जो चौकियां थी सेना की उनको हटा लिया गया, VDC मेंबर्स जो थे उनको भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया गया और इसके साथ साथ जो पुलिस चौकियां हुआ करती थी छोटी मोटी आसपास तो वो भी खत्म कर दी गई, जिससे कि हम ये आश्वस्त हो गए थे कि अब आतंकवाद वापस जम्मू सूबे में कभी नहीं पनपेगा, लेकिन हम नहीं जानते थे कि पाकिस्तान और ISI वापस जो है वो जम्मू रीजन में आतंकवाद सुलगाएंगे और अब लगभग जिस तरह से ब्रिगेडियर राजन जम्वाल ने बोला है सभी जिले जो हैं जम्मू रीजन के वो अब इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, चाहे वो खिता पीर पंचाल है, चाहे वो यहां से कठुआ का इलाका है और चाहे चनाब वैली है, सब इलाके जो हैं अब इन्वॉल्व हो गए हैं क्योंकि ISI की मंशा ही यही थी। देखिए जैस्मिन, इसमें समझने वाली बात यह है कि अब जो शेल्फ लाइफ है जो टॉप कमांडर्स हैं इनके कश्मीर घाटी में वो ज्यादा नहीं है, उनको 2 या 3 महीने में ज्यादा से ज्यादा वो सर्वाइव कर पाते हैं, बाद में उनका सफाया हो जाता है। ये अपना स्ट्रेटजी बदला गया है पाकिस्तान की तरफ से, मॉडल सप्रेंडी बदला गया है जिसके चलते कि वो अब ट्रेंड जो आतंकवादी हैं जिन्हें हम मर्सनरीज कहेंगे जो जंगल वॉरफेयर में एक्सपर्ट हैं उनको अब जम्मू रीजन में धकेला गया है ताकि जो डायवर्जन है जो सेना का कश्मीर घाटी से जम्मू रीजन की तरफ वो हो जाए ताकि जो वहां के जो LOC के इलाके हैं वो खुल जाएं और वहां से वो घुसपैठ कर पाएं। हमने देखा केरन सेक्टर कुपवाड़ा में कल जो है हमने एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया और यहां तक कि ये भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का जो हमारे सीनियर इंटेलिजेंस एजेंसी उनका भी कहना है कि पंजाब बॉर्डर से भी अब जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ से तेज कर दी गई हैं और ऐसे में कोई भी मतलब ज्यादा हैरानी नहीं होगी अगर कुछ दिनों में कोई टनल जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे अगर निकल आती है, क्योंकि काफी संख्या में आतंकवादियों का इस तरफ आना इस बात के संकेत देता है कि जो फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है वो ठीक है। राजन आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर ये मुठभेड़ हो रही है, अगर पॉसिबल है आपके लिए अपना बचाव करते हुए अगर तस्वीरें दर्शकों को आप दिखा पाए कि कहां पर किस तरह से जानकारी मिली इस कोठी इलाके में और किस तरह से दिखता है ये पूरा इलाका, यहां पर घने जंगल है, पहाड़ियां हैं, जरा दिखाएं राजन। जी देखिए जैस्मिन, मैं बताऊंगा कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का काफिला जो सेना का खड़ा है यहाँ तक अनुमति है और यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पे मैं आगे जाऊंगा अब मैं दिखाऊंगा ये यहाँ तक ही मोटरेबल रोड है, यानी कि अगर आप गाड़ी में आते हैं तो इस निशान तक ही आप आ सकते हैं, उसके बाद मोटरेबल रोड नहीं है, जंगल का इलाका है और पैदल ही जाना होता है। तो ऐसे में जब पेट्रोलिंग पार्टी आती है जैस्मिन तो आप यकीन मानिए कि हम अगर पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो पहाड़ी पे बैठा हुआ उस ढोक के भीतर जो बैठा हुआ आतंकवादी हो साफ हमें देख पाएगा और हम उसके निशाने में होंगे, जब हम चलते हैं तो वो साफ हम जब निशाने में होंगे तो ये जाहिर सी बात है हमें उनकी लोकेशन नहीं पता लेकिन उनको जो सिक्योरिटी फोर्सेस की लोकेशन है वो मालूम है, वो छुप के जो है घात लगा के हमला कर सकते हैं। अब जब पेट्रोलिंग पार्टी को यह मालूम था कि इस इलाके में जो है 2 से 3 जो आतंकवादी हैं वो उनकी मौजूदगी है, उसके बाद जब पेट्रोलिंग पार्टी यहां पहुंची तो वो घात लगा के बैठे थे, उन्होंने एक योजना बनाई थी कि किस तरह
यहाँ से ट्रैप करना है, जो सेना की पेट्रोलिंग पार्टी यहाँ पे पहुंच रही है और उन्होंने घात लगा के तीनों दिशा से जो है वो गोलियां चलाई हैं। और ये भी एक एक्सक्लूसिव सूचना आई है कि उन्होंने बॉडी कैम भी पहने हुए थे और इसकी वीडियो भी उन्होंने बनाई है जो ये अटैक किया है। अच्छा राजन, देखिए यहाँ पर एक कैच पॉइंट ये है राजन, जिस तरह से यहाँ पर खेत खलियान नजर आ रहे हैं, मक्की की यहाँ पर खेती की गई है, यानी कि यहाँ पर लोकल लोगों का आना जाना है, लोकल लोगों की यहाँ पर ये जमीन है। और क्योंकि आजकल मकई का सीजन है राजन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? उनको ये बताते हैं कि हमने राजन आवाज मिल रही है मुझे, वापस आतंकवाद को सुलगाया है और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके को, मैं बताऊंगा कितना डेंस फॉरेस्ट है जैस्मिन, आप देखिए कि यहाँ से अगर आप जाएं तो आप को काफी वक्त लग सकता है इस डेंस फॉरेस्ट को छानने में, आप क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में मैन पावर भी चाहिए और इसमें छुपने की जगहें आपको बताऊंगा कैसी हैं। आप, मैं अपने विजय को कहूंगा आपको दिखाएंगे ऊपर किस तरह से एक नेचुरल जो केव्स टाइप आपको दिखेंगी वहां वहां बनी हुई हैं, झाड़ियां हैं, पेड़ हैं और उसके पीछे छुपने की कई जगह हैं। आप ड्रोन से भी यदि ढूंढेंगे तो कहीं भी जो आतंकवादी छुप सकते हैं, वो जो ढोके ऊपर आपको दिखाएंगे, वो ढोके मैं अपने विजय को कहूंगा वो दिखाएंगे आपको, वो ढोके जो हैं वो जो नोमैडिक कम्युनिटी है वो इस्तेमाल करती है जिसमें गुज्जर बकरवाल होते हैं, लेकिन जब गर्मियां होती है तो ये ठीक है। राजन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये कुछ मिट्टी के कच्चे मकान है और यहाँ पर खेत खलियान है, यहाँ पर लोकल लोगों का भी आना जाना है क्योंकि ये बात बार बार आती रहती है कि लोकल सपोर्ट के बिना इस तरह से घात लगाकर हमले करना संभव नहीं है। राजन आप नजर बना करके बहुत शुक्रिया। और इस बीच मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ सर, मेरा सवाल आपसे है क्योंकि जिस कोटी इलाके का पूरा नजारा हमने देखा, घात लगाकर आतंकवादी वहां पर बैठे हुए थे, पेट्रोलिंग पार्टीज पर हमला उन्होंने किया, इनपुट इस तरह के मिल रहे थे, लेकिन जो पूरे इलाके की टोपोग्राफी को अगर समझे तो एक ओजीडब्ल्यूज और एक लोकल नेटवर्क, कुछ ऐसे लोकल लोग जो इस तरह के ऑपरेशंस में सहायता बन सकते हैं, लेकिन वो चूज करते हैं इस तरह के आतंकवादियों को सपोर्ट करना, जो इससे पहले भी हमने देखा है कई कई बार लोकल सपोर्ट का इसमें जिक्र हुआ है। अब क्यों इस चीज को एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जाए और किस तरह से लोकल लोगों को ये बताया जाए, समझाया जाए कि जो तरफ वो चुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे उनके भविष्य के लिए सही नहीं है, क्योंकि बार बार ओजीडब्ल्यूज का जिक्र किया जा रहा है और ओजीडब्ल्यूज एक बहुत बड़ा चैलेंज इस तरह के इन्फिल्ट्रेशन में, मुठभेड़ों में उभर कर सामने आ रहा है। ये समझना पड़ेगा कि कश्मीर की वादियों में खास तौर से जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, गांव बहुत छोटे छोटे होते हैं। गांवों में अगर आप जाएं, अगर वहां की आबादी अगर 100 है, 100 में से 99 लोग ही ऐसे हैं जो या तो न्यूट्रल हैं या भारत के जम्मू कश्मीर में खुश हैं। मुश्किल से 100 में से एक आध ऐसा बंदा आपको मिलेगा जो कि क्लियरली आतंकवादियों को समर्थन दे रहा हो। आपने सही फरमाया, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, जो कि तैयार बैठे हैं पाकिस्तानियों को हेल्प करने के लिए, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत ही कम है। इसीलिए बहुत जरूरी ये है कि गांव की वहां जो पंचायत हैं या विलेज डिफेंस वीडीसी जो थी, इनको एक्टिवेट करना पड़ेगा, इनको थोड़ा जोश देना पड़ेगा। जो ग्राउंड लेवल पे इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो जो है बहुत ही जरूरी है। एक जमाना ऐसे था कि गांव में हमारे लिए, फौज के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफी सिंपैथी हुआ करती थी। वो हमें उनका दोस्त समझते थे। जो चरवाहे होते हैं पहाड़ों पर, गरड़िए होते हैं, बकरवाल होते हैं, ये अगर किसी भी अवांछनीय तत्व या अनजान आदमी को देखते थे ऊंची पहाड़ियों पर तो आकर खबर दिया करते थे। अच्छा। उस नेट को फिर से एक्टिवेट करना पड़ेगा। दिक्कत ये आती है कि कई बार गांव में जब कॉर्डोन एंड सर्च ऑपरेशन होता है तो कुछ गांव वाले जो कि अब तक न्यूट्रल थे, लेकिन सुरक्षा बल की जब कार्रवाई होती है तो थोड़ा नाराज हो जाते हैं गांव वाले, तो वो भविष्य में फिर थोड़ा नाराजगी की वजह से भविष्य में सुरक्षा बलों को इंटेलिजेंस मुहैया नहीं कराते हैं। तो हमें गांव वालों के साथ सुहानुभूति पर पूर्वक एक दोस्ताना फ्रेंडली माहौल बनाना पड़ेगा। इसमें रिवार्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। देखिए गांव वाले जो हैं बहुत गरीब होते हैं, कई बार ये आईएसआई एजेंट या ये जो घुसपैठी आते हैं ये गांव वालों को महज कुछ हजार रुपया दे देते हैं। अब गांव वाले अनपढ़ होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, वो चाहे भारत विरोधी ना भी हो
लेकिन क्योंकि उनको कुछ पैसा मिल जाता है तो उनको चाय दे देते हैं, बिस्किट दे देते हैं, खाना दे देते हैं, एक कमरा खोल देते हैं, उनके यहाँ मवेशियों के रखने के कमरे होते हैं खोल दे। ये नहीं है कि ये गांव वाले भारत विरोधी हैं, वो सोचते हैं कि चलो कुछ पैसे मिल गए। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि भारत की फौज एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि भले ही एक घुसपैठिया एक आतंकवादी हाथ से निकल जाए लेकिन जो गांव वाले हैं उनको परेशान नहीं करना है। ये हमारा एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि गांव वालों को हम खुश देखना चाहते हैं ताकि उनका फौज के प्रति एक दोस्ताना रवैया हो, वो हमें आके खबरें दे। तो कुछ भी हो जाए हम गांव वालों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। जी